हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सतीश कुमार एंड यू आर वाचिंग टैफिक्सन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एप्पल का इवेंट खत्म हो चुका है और इस इवेंट के अंदर उन्होंने काफी सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। 3 नए आईफोन लॉन्च किए हैं, इसके अलावा उन्होंने लॉन्च किया है एक नई स्मार्ट वॉच जिसका नाम है एप्पल स्मार्ट वॉच सीरीज 4। तो इस वीडियो के अंदर मैं उसी स्मार्ट वॉच के बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं पुराने वाली स्मार्ट वॉच को लेके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। देखिए, एप्पल के इस इवेंट के अंदर एप्पल ने ये बोला है कि जो एप्पल की जो स्मार्ट वॉच है वो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली स्मार्ट वॉच बन चुकी है। एप्पल के इवेंट के अंदर उन्होंने ऐसा कहा था। अब पता नहीं बनी है या फिर नहीं बनी है तो नहीं जानते, लेकिन एप्पल का ऐसा मानना है कि स्मार्ट वॉच जो एप्पल की खुद की जो स्मार्ट वॉच है वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली स्मार्ट वॉच बन चुकी है। तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो पहले क्या होता था कि जो पहले वाली स्मार्ट वॉच आती है एप्पल की, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 जो स्मार्ट वॉच आती है, इनकी जो डिजाइन थी वो एक जैसी थी। कोई बता ही नहीं सकता था कि कौन सी सीरीज 2 है कौन सी सीरीज 3 है। लेकिन यहाँ पे जब सीरीज 4 आई है एप्पल की तरफ से, इसके अंदर काफी सारे चेंजमेंट किए गए हैं। इसकी साइज भी इंक्रीज की गई है। जो पहले जो साइज हुआ करती थी वो हुआ करती थी 38mm टू 42mm, लेकिन अब क्या हुआ कि 40mm से लेके 44mm तक साइज इंक्रीज कर दी गई है। इसके अलावा जो साइड के अंदर जो बेजल्स होते हैं, स्क्रीन के साइड में जो बेजल्स होते हैं, उन बेजल्स को भी काफी ज्यादा कम किया गया है। मतलब आपको बेजल लेस वाली तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफी कम बेजल है स्मार्ट वॉच के अंदर, ऐसी स्मार्ट वॉच आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं डिजाइन की बात करूँ तो डिजिटल क्राउन होता है उसके साइड में आपको देखने को मिलता है एक हैप्टिक फीडबैक। मतलब आप उसको जब रोटेट करेंगे, उसको जब घुमाएंगे तो जो स्क्रीन के ऊपर जो आइकन है वो एक अलग ही तरीके से राउंडिंग शेप के अंदर आपके सामने आएंगे और आपको ऐसा रियल टाइप का फीडबैक आपको मिलेगा। तो कुछ इस तरह की डिजाइन उन्होंने इसके अंदर दी है। बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो एप्पल का खुद का यूज किया गया है जिसका नाम है S4 चिप। काफी एडवांस प्रोसेसर है, काफी अच्छा प्रोसेसर है स्मार्ट वॉच के लिए। इसके अलावा जो लाउड स्पीकर है उसकी जो वॉइस है उसको भी काफी ज्यादा इंक्रीज किया गया है। जो पहले सीरीज 2 सीरीज 3 के अंदर हुआ करते थे उससे काफी ज्यादा इसको बढ़ाया गया है। एप्पल का मानना है कि इसकी जो वॉइस है, इसकी जो आवाज है, उसको डबल कर दिया गया है पहले से ज्यादा। तो अगर आप यूज करते हैं कॉलिंग वगैरह के लिए स्मार्ट वॉच को तो कॉल क्वालिटी काफी अच्छी होने वाली है। इसके अलावा अगर मैं चेंजेस की बात करूं कि सीरीज 3 और सीरीज 4 के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, तो जो सीरीज 3 थी उसके अंदर भी वॉच फेसेस हुआ करते थे, लेकिन सीरीज 4 के अंदर काफी सारे वॉच फेसेस ऐड किए गए हैं। आप काफी तरह के वॉच फेसेस जो होते हैं जो स्क्रीन के ऊपर नजर आते हैं तरह तरह के, उनको आप इंजॉय कर पाएंगे सीरीज 4 के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर एक नई चीज और ऐड की गई है, वो ये है कि ये आपकी हार्ट रेट लो होने पर भी आपको वार्निंग देगा। हार्ट रेट ज़्यादा होने पर तो वार्निंग पहले भी जो पुराने वाले स्मार्टफोन्स थी उनके अंदर भी मिलती थी, लेकिन इसके अंदर हार्ट रेट लो होने पर भी आपको वार्निंग मिलेगी। इसके अलावा जो इसका मुझे सबसे बेस्ट जो फीचर लगा वो है फॉल डिटेक्शन का। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस वॉच को बांधे हुए अपनी कलाई के ऊपर और वो गिर जाता है, मतलब कि ज़्यादा तेज़ी से गिर जाता है चलते चलते या फिर किसी एक्सीडेंट में किसी भी तरीके से अगर वो गिर जाता है, तो इसके अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेंगे और उसके अंदर जो इमरजेंसी कॉल्स के जो नंबर ऐड किए हुए हैं उनके पास में ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा और कॉल भी चला जाएगा, ताकि उनके पता चल सके कि कोई ना कोई एक्सीडेंट या फिर कुछ गलत हुआ है और वो आप तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर मेरे को इसका लगा। सबसे बेस्ट जो फीचर मुझे इसका लगा वो यही है, फॉल डिटेक्शन टेस्ट वाला। ये अभी तक किसी स्मार्ट वॉच के अंदर नहीं आया है, ये पहली स्मार्ट वॉच है जिसके अंदर फॉल डिटेक्शन वाले सेंसर को यूज किया गया है। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, क्या क्या प्राइस इन्होंने इसकी रखी है। तो अगर आप परचेज करते हैं GPS एडिशन वाली स्मार्ट वॉच तो आपको देने होंगे $399। अगर आप परचेज करते हैं ई सिम कार्ड वाली स्मार्ट वॉच तो आपको देने होंगे $499। प्राइस काफ़ी ज़्यादा कर दी उन्होंने। इंडिया के अंदर जब ये आएगी तो प्राइस और भी ज़्यादा होने वाली है। पता नहीं इंडिया के अंदर कब लॉन्च होगी, कुछ बताया नहीं उन्होंने, लेकिन प्राइस कुछ ज़्यादा ही कर दी इन्होंने। लेकिन क्या कर सकते हैं, स्मार्ट वॉच है, एप्पल की वॉच है तो प्राइस तो ज़्यादा होने की ऑब्वियसली बात है। और वैसे भी इंडिया के अंदर जो एप्पल के प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी हाई रेट में होते हैं। अब की बार इन्होंने कुछ ज़्यादा ही महंगे लॉन्च किए हैं। आईफोन की बात कर लो चाहे आईफोन भी इन्होंने कुछ ज़्यादा ही हाई रेट पर लॉन्च कर दिया है। तो और इंडिया के अंदर आके तो उनकी रेट और भी ज़्यादा हो जाती है। ऐसा मान रहे हैं कि जो इन्होंने जो प्राइस रखी है आईफोन वगैरह की, तो उन्होंने किस तरीके से रखी है, अभी मान के चलो कि $1 की रेट चल रही है ₹72, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने जो प्राइस रखी है वो उन्होंने रखी है $1 की ₹100। अब $1 के ₹100 मान के चलो आप, और उसको उसे डिविजन कर लो, आप देख सकते हैं कितने निकल के आते हैं।
इतनी प्राइस उन्होंने रखी है तो काफ़ी महंगे प्रोडक्ट अबकी बार उन्होंने लॉन्च किए हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सवाल या फिर कोई सुझाव हो एप्पल के इन प्रोडक्ट को लेके तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिए, मैं जल्दी उनका रिप्लाई कर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।